इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा कि वो पांच प्रूवन डार्क साइकोलॉजिकल हैक्स जो आप लाइफ में यूज कर सकते हो या फिर कोई आप पे कर रहा है तो ध्यान रखना। बट डिस्क्लेमर ध्यान रखना कि इसको सही से यूज करना, और अगर कोई तुम पे यूज कर रहा है तो सही से उस पर ध्यान भी रखना कि चीजें तुम्हारे लिए खराब ना हो। मोस्ट डिस्क्लेमर यह है कि आप गलत इसका यूज ना करो, बिकॉज मैं मानता हूं अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो आप एक अच्छे मकसद पर हो बेसिक। सो चलो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट इज लव बॉम्बिंग। एक स्टोरी समझते हैं रिया नाम की लड़की की। रिया नाम की लड़की है बहुत स्वीट, लाइक बचपन से काफी अच्छी रही, लेकिन उसको ना अपने माँ बाप से उतना प्यार नहीं मिला, उसको उतना अटेंशन नहीं मिला। वो ना लोगों की क्रेविंग के, लोगों के अपनापन को फील करने के लिए बहुत तरस गई। इसका मतलब वो इमोशनली थोड़ी सी खाली थी, और मेजॉरिटी में से हम लोग ऐसे ही होते हैं। हमारी जिंदगी हम ना फुलफिल फील नहीं करते, बहुत बार हमें लगता है कुछ छूट रहा है, और इस चक्कर में वो इमोशनली थोड़ी सी अनफुलफिल रही, उसको प्यार की कमी मिला, माँ बाप ने उसको कभी वो अटेंशन नहीं दिया, तो वो बड़ी हो गई समय के साथ, बड़ी हुई। उसके बाद एक लड़का उसकी ज़िंदगी में आता है, और वो लड़का बहुत शातिर है। वो समझता है इस चीज़ को कि इसे कभी प्यार नहीं मिला, इसे कभी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, इसे कभी इतना प्यार इसने देखा ही नहीं एक्चुअली में। और वो क्या करता है, प्यार की बौछार, प्यार का सारा जो चीज़ है उसको देना शुरू कर देता है। वो लड़की भी ओवरवेल्म होने लगती है, इतना अट्रैक्टिव फील करती है, माय गॉड इतना प्यार मैंने कभी नहीं देखा। और चूंकि वो अकेली थी, उसको लोगों से वैलिडेशन चाहिए था, उसको उस लड़के से वैलिडेशन चाहिए था, तो वो उस लड़की की हर बात मानने लगती है। और लड़का यही चाहता है, उसके ऊपर लव बॉम्बिंग करता है। लव बॉम्बिंग का मतलब इतना प्यार का बौछार करना, इतना करना, इतना करना कि सामने वाला कभी कभी ये सोचता है कि मेरे ऊपर इतना प्यार क्यों बरसा रहा है। और वो लड़की रिया थोड़ी सी सीधी थी, वो नहीं समझ रही थी इस चीज़ को, और लड़का उससे जो चाहता था वो उससे निकलवा रहा था, लाइक उसकी फिजिकल सेटिस्फैक्शन लड़के की हो या पैसे निकलवाने हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा। और रिया अपनी दोनों आँखों को बंद करके बैठ गई थी, वो ये नहीं देख पा रही थी कि ये लड़का बहुत शातिर है एक्चुअली में, और वो उसके प्यार में गिरते चली गई। और लड़के का जब मकसद पूरा हो गया, एक समय के बाद लड़का छोड़कर उसको चला गया, और रिया की हालत खराब, शी इज अबाउट टू सुसाइड। और ये हम में से मेजॉरिटी लोग की कहानी है। हम ना खुद को कभी एक्सेप्ट नहीं करते, कोई आएगा हमें प्यार करेगा, हमें अपना फील कराएगा, हम इसी का इंतजार करते हैं, और इसको कोई बहुत जल्दी फायदा उठा लेता है। तो आपको यहां ध्यान रखना है कि कोई आपके ऊपर लव बॉम्बिंग तो नहीं कर रहा है, जैसे कि मान लो आप पहले मीट में किसी से मिलती हो, हद से ज्यादा प्यार दिखाना, हद से ज्यादा अट्रैक्शन देना, हद से ज्यादा अटेंशन देना, आप बोल रहे ही इज नॉर्मल और वॉट, इतना क्यों प्यार कर रहा है। एक लॉजिकल इंसान समझ जाएगा, लेकिन एक इमोशनल इंसान नहीं समझेगा। तो आपको यहां पर यह समझना है कि कोई आपके साथ खेल तो नहीं रहा है, कोई आपका फायदा तो नहीं उठाना चाह रहा है, और यही होता है लव बॉम्बिंग को समझना। अगर क्या होता है, रिया खुद में कॉन्फिडेंट होती, वो बोलती कि ठीक है कोई आए कोई जाए, आए तो अच्छी बात है, हम एक और एक के 11 बन जाएंगे, लेकिन मैं कमी नहीं फील करती हूँ, मैं खुद में सेटिस्फाई हूँ, खुद से जिंदगी के साथ में खुलकर जीती हूँ। और इमोशनली वो कभी खाली नहीं होती, तो कोई उसको भरने के लिए इतना उसका फायदा नहीं उठाता। और ये हम सब की कहानी है, आपकी भी होगी, आपने ये चीज़ किया होगा, किसी के ऊपर हद से ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंट हो गए थे। मेरा भी एक वक्त आया था कि मैं अपनी पावर ही भूल गया था, अपना कि मैं क्या कर सकता, और मैं बोल रहा था, और मैं सारी वैलिडेशन एक लड़की से ढूंढ रहा था, एक इंसान से ढूंढ रहा था, कोई मुझे दे दे आकर, कोई मुझे एक्सेप्ट फील करवा दे, कोई मुझे अपना फील करवा दे। क्यों? सो कुछ भी हो जाए, अपने आप को इमोशनली फुलफिल रखो, अच्छा पढ़ो, अच्छा गाओ, अच्छा नाचो, अच्छा काम करो, इंजॉय करो, ताकि तुम खुद में सेटिस्फाई हो, कोई आएगा तो तुम दोनों मिलकर और चीज़ों को बड़ा करोगे, एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 बन जाओ। और ये लव बॉम्बिंग सिर्फ प्यार मोहब्बत में वैलिड नहीं है, बहुत जगह कहीं भी देखो कि लोग तुम्हें अपने ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हैं ना, तो एक बार रुको और सवाल करो, क्या रीज़न है, क्यों ये इतना ज़्यादा ऐसा कर रहा है, मतलब जो तुम्हें अननेचुरल लग रहा है, मतलब नेचुरल ठीक है, स्लो प्रोसेस के साथ हो रहा है तो अच्छा ऐसा ही है, पर तुम्हें एक अननेचुरल की बू आ रही है, स्मेल आ रहा है, तो यू आर और यू हैव टू बी कॉशियस एंड यू हैव टू गेट डाउन की चीजें कुछ तो गड़बड़ है। दूसरा डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक, गैस लाइटिंग। ये आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, हर जगह वैलिड है। गैस लाइटिंग का सिंपल मतलब मैं समझाता हूं, मतलब इसको पहले एक एग्जांपल समझते हैं, तुम ज्यादा समझ पाओगे। मान लो मेरा नाम राज है, मैं किसी प्रिया नाम की लड़की से प्यार करता हूं, प्रिया बहुत लॉयल है, बहुत मुझसे प्यार करती है, वो थोड़ा सा बहुत चीज़ें मेरी फुलफिल नहीं कर रही, मैं एज अ बॉय थोड़ा ज़्यादा रिप्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी ज़्यादा उससे डिमांड कर रहा हूँ, बट शी इज़ नॉट फॉर दैट। तो मैं क्या करता हूँ, उसको बिना बताए उसको धोखा देने के लिए सेकंड में रिलेशनशिप चलाने लगता हूँ साइड से, और इवन चीज़ें इतनी गड़बड़ कर लेता हूँ मैं रिया से कि मैं दूसरी वाली लड़की के साथ फिजिकल होकर भी आ जाता हूँ, तो प्रिया को कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है, वो आग बबूला,
मतलब कि होता है ना कि इतना क्या बिगड़ गया कि तुम मुझसे बात नहीं कर पाए, क्या हमारा चीज इतना खराब है कि हम लोग बात नहीं कर सकते, तुम इतने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। तो यहां पर मुझे अपनी गलती माननी चाहिए कि कितनी भी चीजें खराब हो, मुझे प्रिया के साथ बैठना था, बातें करनी थी, चीजों को शॉर्ट आउट करना था, लेकिन मुझे स्टेप नहीं लेना चाहिए था। लेकिन यहां पर मैं अगर ये करे बिना ये उसको फील कराता हूं कि देखो मैंने जो फिजिकल होकर आया ना, मैं तुम्हारी वजह से होकर आया, तुम मुझे प्यार नहीं देती, तुम मुझे अटेंशन नहीं देती, तुम्हारी वजह से मैं सब कर रहा हूं, तो इससे बोलते हैं गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग का सिंपल मतलब होता है कि कोई इंसान अपनी गलती को आपके ऊपर डाल रहा है इमोशनली फॉल्ट बताकर कि ये आपकी वजह से हुआ। और इससे क्या होगा पता है, आप गिल्ट ट्रिप में चले जाओगे। यहाँ पर अगर प्रिया अवेयर नहीं होती, डार्क साइकोलॉजी के बारे में नहीं समझती, तो वो क्या बोलती है, हाँ यार मैं ही ना राज को प्यार नहीं देती हूँ, मैं ही राज को अपना नहीं फील कराती, इसलिए वो दूसरे के पास चला गया। क्यों गया? कुछ भी हो, लिमिट हैज टू बी डिसाइडेड, लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए। और ये राज ने गलती की है, इसकी सजा उसमें मिलनी चाहिए। इस तरह गैसलाइटिंग काम करता है। तो गैसलाइटिंग सिर्फ यही काम नहीं करता, कहीं भी आप देखो अपनी लाइफ में कोई आपको इमोशनली घुमा तो नहीं रहा है, कोई आपको अपनी गलती को छुपाने के लिए आपके ऊपर गिल्ट ट्रिप तो नहीं डाल रहा है, भाई तू पता है तेरी वजह से मैं यहाँ नहीं आता हूँ, तेरी वजह से ना माँ बाप मुझसे बात नहीं करते, अरे माँ बाप की प्रॉब्लम है वो समझे, मैं क्यों उसमें गिल्ट में हूँ। तो ये तभी होगा जब अवेयर रहोगे, जब आप अपने आप को ओन करोगे, नहीं तो कोई आएगा आपको गैसलाइट करेगा। गैसलाइट का मतलब समझो ना, दो वर्ड से बना है, गैस और लाइट, मतलब कोई गैसलाइट जला रहा है मजे ले रहा है, गैसलाइट जला रहा है मजे ले रहा है, और आप अवेयर नहीं हो, अपने आप को कमजोर समझोगे। तीसरा, हैलो इफेक्ट। हैलो इफेक्ट क्या होता है समझो, एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि मुझे एग्जांपल देने में बड़ा मजा आता है। मान लो एक रोहन नाम का लड़का है, मैं अपनी YouTube वीडियोस में बहुत सारे लोगों का नाम लेता हूं, तो दिल पे मत लेना, एग्जांपल से रिलेट करो, दिल पे मत लेके बोलना कि रोहन ऐसी ऐसी है, ऐसी ऐसा मत करना, समझने की कोशिश करो, क्योंकि मेरा कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है ज़्यादा। मान लो रोहन नाम का लड़का है, पढ़ने में बहुत तेज, बचपन से IIT क्लियर, IIM क्लियर, टॉप क्लास जॉब, यू नो सीनियर मैनेजर CEO बनने वाला है। तो हैलो इफेक्ट कहता है कोई इंसान अगर एक्स काम सही करता आया है तो वाई काम भी वो सही करता आएगा। तो माँ बाप उसके देखते हैं कि अगर ये लड़का पढ़ने में अच्छा है, डिसिप्लिन है, लोगों से अच्छे से बात करता है, इसकी सब कुछ अच्छा है, ये जॉब अच्छा कर रहा है, पैसा अच्छा कमा रहा है, इज्जत अच्छी है, तो लड़का भी अच्छा होगा, शादी भी इसकी अच्छी लड़की से करवा देते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद पता चलता है उसका शादी बुरी तरीके से फेल हो जाता है। वो लड़का यहाँ से तो बहुत स्मार्ट था, वो इंटेलेक्चुअल तो बहुत था, पर इमोशनली बहुत भी, वो लड़कियों के प्यार करने के तरीके को नहीं समझता था, वो कम्युनिकेशन को नहीं समझता था, वो लड़कियों से कम्युनिकेट कैसे करते हैं उसे नहीं पता था, वो एम्पैथी नहीं जानता था, इस वजह से उसकी अपनी वाइफ से नहीं बनी और उसका शादी टूट गया। यही होता है हैलो इफेक्ट। ये मत जज करो कि अगर ये चीज़ होता आया है तो आगे भी यही काम होता रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लो ना कोई बंदा है जो बैकएंड पे बहुत अच्छा काम करता है, यू नो कंप्यूटर अच्छा चलाता है, लोगों से अच्छा बनाता है, सब अच्छा कर रहा है, तो उसके बॉस ये समझते हैं कि ये लड़का अगर सब काम अच्छा कर लेता है, सब संभाल लेता है, तो वो सेल्स भी अच्छा कर लेगा, उसको सेल्स में बिठा देते हैं फ्रंट पे। बट जिनके साथ उनकी सेल्स डील है वो 20 लाख का सेल है, पर चूंकि उस बंदे को सेल्स का कोई आइडिया नहीं है, पर सब उसको समझते हैं कि बंदा अच्छा है, ये बात कर लेता है, बैकएंड भी बहुत अच्छा करता है, सिस्टम अच्छे से मैनेज कर लेता है, तो ये सेल्स में भी अच्छा होगा, टॉकिंग में भी अच्छा होगा। लेकिन क्या होता है, जो होना था सेल्स में वो फेल हो जाता है, कंपनी को 20 लाख रुपए का सेल्स का झटका मिलता है, बॉस सदमे में है, मैंने ऐसा गलती क्यों किया, लेकिन बॉस इस हैलो इफेक्ट को नहीं समझ रहा है। तो आपको भी ये बस सीधा नहीं समझना है कि कोई काम कोई इंसान अगर अच्छा कर रहा है तो ये काम वो बाकी काम भी अच्छा कर ले। जैसे मान लो कि आपने किसी जॉब के बारे में सुना, बहुत अच्छा है, सब लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा है, अरे बहुत पैसे देता है, अरे HR बहुत अच्छी है, ये अच्छी है, आप ये समझ के ये समझ लेते हो कि अगर इसका HR अच्छा है, इसका फाइनेंस अच्छा है, तो इसका मार्केटिंग टीम भी अच्छा हो, आप मार्केटिंग टीम ज्वाइन कर लेते हो, आपको 3 दिन बाद पता चलता है ये तो बहुत बड़ी स्कैमर कंपनी है, ये तो ठक ठक के पैसे बना रही है। तो रुको और हर चीज को सवाल करो, लिंक मत करो, डिसीजन जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हुक नहीं होना चाहिए, इसी को एंकरिंग भी बोलते हैं। एंकर क्या होता है, जहाज पे देखा है एंकर बड़ा सा होता है शिप का, उसको फेंक के जहाज को वही रोकने के लिए यूज करते हैं। तो आपको भी अपने डिसीजन मेकिंग में रुकना है, सवाल करना है, ये नहीं कि अगर पास्ट में चीज होता है, चीज हर जगह वैलिड होता है, यहां भी होगा, नहीं, सवाल करो। और सवाल करने के लिए तुम्हें एक पावर को समझना पड़ेगा कि तुम्हें इस मोमेंट में जीना सीखना पड़ेगा, तुम्हें पावर ऑफ नाउ समझना पड़ेगा, तुम्हें स्पिरिचुअलिटी की मास्टर हासिल करनी पड़ेगी, वरना तुम हर वक्त हड़बड़ी में ही रहोगे हर वक्त। तो रुको सवाल करो, रुको सवाल करो, इसके लिए तुम एक अच्छी बुक उठा सकते हो, बहुत ही पावरफुल बुक है, द पावर ऑफ नाउ बाय ईकार्ट टोल, बहुत प्यारी बुक है, तुम पावर समझोगे कि क्यों मुझे रुक कर सवाल करना है, क्योंकि तुम्हारी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, तुम हर वक्त हड़बड़ी में रहते होगे, बहुत बड़ा डिसीजन ले लेते होगे, बाद में पछताते होगे मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, पर रुको और सवाल करो। ये मैं भी अब प्रैक्टिस करता हूं, मेरे डिसीजंस काफी बेटर हो गए पहले से। फोर्थ वन, डिकॉय इफेक्ट। कभी सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न लेने की कोशिश किया है, जब इंटरवल होता है तो आपने एक चीज देखा होगा, स्मॉल साइज के पॉपकॉर्न का प्राइस होता है 100 रुपए, बड़े वाले का 220 रुपए, मीडियम वाले का 200 रुपए।
तो आप सोचते हो कि अगर स्मॉल 100 में आ रहा है और मीडियम 200 का, तो क्यों ना मैं 20 रुपये और लगा कर ये बड़ा वाला खरीद लूँ ना, ऑब्वियसली सेंस भी बनता है। और एक्चुअली में वो मूवी हॉल आपको वो बड़ा वाला ही बेचना चाहती थी, पर जो बीच वाला ऑप्शन होता है उसको बोलते हैं डिकॉय, मतलब कोई काम का ऑप्शन नहीं पर रखा जाता है। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, यहाँ मैं एक फोटो लगा रहा हूँ, बताओ कि तुम कौन सा सब्सक्रिप्शन खरीदोगे। एक है $32 का प्रिंट सब्सक्रिप्शन, एक है इंटरनेट सब्सक्रिप्शन, एक है इंटरनेट प्लस प्रिंट सब्सक्रिप्शन। तुम देखोगे इंटरनेट वाला जो सब्सक्रिप्शन है और इंटरनेट प्लस प्रिंट का जो सब्सक्रिप्शन है, दोनों का प्राइस सेम है। तुम बोलोगे आदित्य मैं क्यों ही लूँ, स्मॉल लेने का कोई फायदा नहीं, और जब बड़ा लेना है तो सबसे बड़ा लूंगा, मीडियम क्यों लूंगा, तो सेम प्राइस का है और उसमें मुझे दोनों ऑफर मिल रहा है तो मैं तो वही लूंगा ना। और यही तो होता है, जब सर्वे किया गया तो यही पाया गया 100 पार्टिसिपेंट के ऊपर, उसमें से 16 लोगों ने शॉर्ट वाला लिया और 84 ने बड़ा वाला लिया, बीच वाला किसी ने नहीं लिया। और कंपनी को पता है, वो जानबूझ के इस ऑप्शन को रखते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा वाला बेचना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके सामने सिर्फ स्मॉल और बड़ा रख दिया गया तो आप बोलोगे बड़ा बहुत प्राइसी है, स्मॉल ही सही ले लेते। लेकिन डिकॉय रखने से आपका दिमाग सडन नए पैटर्न बनाता है, बोलता है कि यार ये क्यों ही लेना, बड़ा लेते हैं फायदा है, बीच वाला तो मैं लूंगा नहीं। और ये हर बार आपके साथ होता है। और हम ह्यूमंस कंपैरिजन पे ही चलते हैं, आप कितना ही बोलो कि मैं कंपेयर नहीं करता हूं, मैं कंपेयर नहीं करता, मैं ठीक हूं, इसीलिए मैं अपने वीडियोज में बार बार चिल्ला के बोलता हूं कि आपको कंपेयर तो करना है, लेकिन ध्यान रखना है खुद के साथ, खुद के साथ करो कम। जैसे कि आप भी अगर कोई कमेंट मेरे ऊपर लिखते हो मेरे वीडियो के ऊपर कि आदित्य सर बहुत अच्छा वीडियो था, मजा आ गया, आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आप यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिंज कंटेंट देख रहे हो, बहुत सारी चीजें आ जाती क्रिंज में, तो आप कहीं ना कहीं कंपैरिजन बना रहे होते हो कि आदित्य का वीडियो उसके कंपेयर में काफी अच्छा है। या फिर आपको कोई कार लेना है, आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि लूंगा ना फरारी लूंगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये सब मारुति वारुति ना मिडिल क्लास है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा हाई एंड में चाहिए। आप कंपेयर हर वक्त कर रहे हो और इस चीज का फायदा कंपनी बहुत अच्छे से उठाती है। लास्ट एंड मोस्ट पावरफुल साइकोलॉजिकल हैक, दैट इज बैंड वैगन इफेक्ट। हम इंसान वायर्ड हैं भीड़ को फॉलो करने के लिए। एक एग्जाम्पल से समझो, मान लो कि आप दिल्ली की किसी गली में भटक गए, ठीक है, अब आपको नहीं पता कहां निकलना, तो आप क्या करोगे पता है, आप एक देखोगे बहुत सारा भीड़ जिस तरफ जा रहा है, उस भीड़ के पीछे पीछे लग के उसके पीछे पीछे चले जाओगे, और आप कहीं ना कहीं आपको पता है कि जहाँ भीड़ जा रही होगी वो बाहर की तरफ ही जा रही होगी, मैं भी निकल ही जाऊँगा, इसी को बोलते भीड़ को फॉलो करना। तो आज से 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले हमारा सर्वाइवल, हमारा जिंदा होने के चांस इसी पे डिपेंड था कि हम लोगों के साथ कैसे मिला के चलते हैं। अगर हम अपने ट्राइब के खिलाफ थोड़ा भी बगावत करते, हमें ट्राइब बाहर निकाल के फेंक देता। और ट्राइब से बाहर निकलने का मतलब पता है, आपको कोई जंगली शेर मार के खा जाता, आपको कोई दूसरा ट्राइबल अटैक कर देता। अकेला रहना सबसे बड़ा खतरनाक काम था आज से हजारों साल पहले, लेकिन आज की दुनिया सेफ है। आज आप डिसीजन मेकिंग खुद के लिए लेते हो, और तभी बहुत सारा पैसा नाम फेम बनाना इतना मुश्किल है। क्यों है पता है, क्योंकि वहां पर अकेले चलना पड़ता है, कोई सपोर्ट नहीं करता, अकेले सोचना पड़ता है, अकेले लड़ना पड़ता है, अकेले रातें मरनी पड़ती है, अकेला दिन रात एक करना पड़ता है, जहां मेजोरिटी लोग डर जाते हैं क्योंकि उनको भीड़ में रहने की आदत है। तो इस साइकोलॉजिकल हैक के अकॉर्डिंग आपको हर बात भीड़ की नहीं माननी है, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, रुकना है, सवाल करना है, रुकना है, सवाल करना है, क्या ये भीड़ कर रहा है सही है, पर क्या ये मेरे लिए सही है। जैसे कि मान लो आप कोई मैच देख कर रहे हैं, हजार लोग बोले विराट कितना घटिया खेला, विराट एकदम घटिया प्लेयर है, तुम्हें बेवकूफ की तरह हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, वरना तुम्हारा इस चैनल को फॉलो करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें रुकना है और सवाल करना है कि अच्छा विराट ने अच्छा नहीं खेला, हो सकता है उसका फॉर्म गलत हो, हो सकता है वो स्ट्रोक जो खेलना चाह रहा हो बॉल का एंगल उस तरफ से नहीं आ रहा, कुछ भी ऐसा रुक कर सवाल करो, जस्ट एज इट इज मत मानो। आज की दुनिया इंडिपेंडेंट लोगों की है, खुद पे भरोसा रखना सीखो, खुद के डिसीजन लेना सीखो, लोगों की सुनो सब करो, लेकिन जब डिसीजन लेना है खुद के लिए खुद डिसीजन लेना सीखो, तुम खुद देखो कि गेम तुम्हारे लिए पूरी तरह चेंज हो रहा है। इस तरह यह बैंड वैगन इफेक्ट काम करता है। इस पर एक और लास्ट एग्जांपल सुन लो, तुम पूरा रिलेट कर लोगे। बिग बिलियन डे देखा है फ्लिपकार्ट का, वहां पे क्या होता है कभी नोटिस किया है, वो क्या बोलते हैं, इंडिया शॉपिंग कर रहा है, आप कहाँ है, सेल चल रहा है, जल्दी ले लो, क्या वो इसके थ्रू क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो इतना सारा भीड़ ऑलरेडी ये काम कर रहा है, तुम क्यों पीछे हो, तुम भी आ जाओ ना। या फिर एक आपने लाइन सुना होगा, डेंटिस्ट नंबर वन रिकमेंडेड टूथपेस्ट, मतलब सारे डेंटिस्ट का सुझाव, क्या कह रहे हैं कि सारे डेंटिस्ट की कम्युनिटी बात बोल रही है तो गलत तो नहीं होगा, तुम्हें भी करना चाहिए, लेकिन तुम रुक के बोलोगे जो डेंटिस्ट बोल रहा है बोलने दो, मेरे दांतों में सड़न है नहीं, मेरे दांतों में तो सेंसिटिविटी है, तो मुझे सेंसिटिविटी के लिए टूथपेस्ट चाहिए ना कि सड़न के लिए। इस तरह तुम रुक के सवाल करते हो, भीड़ को फॉलो नहीं करते हो। तो कैसे लगे सारे के सारे डार्क साइकोलॉजिकल हैक मुझे जरूर बताना, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं, तुम्हें पता है ये बात, शेयर जरूर करो व्हाट्सएप के ऊपर, सबको अवेयर करो, तुम्हें पता है कितने पावरफुल वीडियोस जाते हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं।
और साथ में सब्सक्राइब तभी करना जब वीडियोस को चेकआउट कर लेना और लगे कि वीडियोस तुम्हारी हेल्प कर रही है तब सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं किसी ऐसी पावरफुल वीडियोस में, कोई अच्छा टॉपिक हो सजेशन में जिसके थ्रू सबकी हेल्प हो सकती है, लेट मी नो। तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।